हरिओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यही मंत्र महिमा कार्यक्रम भव्य परिसर को आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँ। आम यही मंत्र महिमा कार्यक्रम प्रत्येक विविध वेदर अनेक मंत्र मानकु अनेक सूक्त मानकु चर्चा रखु थाई एवं मंत्र रे आपण गोटे परक एक परक अर्थ पाई पाइबे ना कारण गोटे गोटे मंत्र अनेक अर्थ को प्रकाश करि थांती कारण वैदिक महर्षि गण ऋषयः मंत्र द्रष्टारः केही केही शास्त्रकार माने कहंती मंत्र गुड़िक एत वैशिष्ट्यमय किभली हेले कहीं कि शास्त्रकार माने यार उत्तर रे कहंती भगवतः निश्वास प्रश्वास रूपो यंग मंत्र भागाः भगवान परात्पर परब्रह्म अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकंकर निश्वास ग्रहण समय रे निश्वास और प्रश्वास उभय समय रे जो तरंग सृष्टि हेई थाए ना से तरंगायत शब्द समूह ही मंत्र बा वेद तेणु आपण माने निजर कल्पना राज्य रे कल्पना करंतु कौन किभली से भगवान कर निश्वास एवं से निश्वास रु उद्भूत तरंग तरंगायत शब्द राजी आउ से शब्द राजी होचि मंत्र केते वैशिष्ट्यमय केते गभीर गभीर मार्मिक प्रतिपाद्य विषय गुड़िक तन्मध्य रे परिप्रकाश न होइथिब सते ये आम तुमर घर परिवार कथा ई सब कथा कु भिन्न यद्यपि ए वेद बा मंत्र साहित्य रु ही समग्र धर्मशास्त्र रे उत्पत्ति समग्र पुराण वाङ्मय ई वेद को आधार करी ही रचित पुराण इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत वेद र आहुरी वर्धन बा सहज सरल वर्णना हूँ पुराण जो ब्रह्मतत्व को आम वेदरे देखु अश्रोत्रम अनिर्वचनीय जो ब्रह्मतत्व तार सरलीकरण हूँ पुराण ताहा यद्यपि अनेक गाथा अनेक किंवदंती अनेक ऐतिहासिक तत्व उपर आधारित तथापि से वेदर मंत्र मानक ठारु ही से सब गुड़िक उद्भूत दर्शनर अद्भुत ब्रह्मतत्व हो सृष्टितत्व हो अथवा समग्र धर्मशास्त्र वाङ्मय हो सूत्र साहित्य हो सब गुड़िक मंत्र साहित्य रु ही उद्भव यदि आम क्रमशः क्रमशः से सूक्त गुड़ी बा मंत्र आमर दर्शन गुड़ी को आम आलोचना करवा जो षड आस्तिक दर्शन रही ना तार मूलभूत विचार हूँ वेद सुतराम से ही क्रम आम आज पहुँचे रुद्र सूक्तर बार बा द्वादशतम मंत्र रे प्रथम मंत्री को पढ़ी रखा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम याते हे दर्मीलुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज हरिः ओम। आउ थरे मंत्रटी को आवृत्ति करिबा। ओम याते हे दर्मीलुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज हरिः ओम।
उक्त मंत्रर विनियोग साधारणतः जो व्याधिग्रस्त अछन्ति जो मनुष्य माने अनेक रोग द्वारा जो माने रोग रे थांती सेगुडीकुरु अपनोदन पाई मुक्ति पाई उक्त मंत्रर सुंदर विनियोग मान रही अछन्ति। यदि आम मंत्रटी को पढ़ा जाणीबा तार मनन करिबा तार भाष्य अर्थ को जाणीबा तेबे मंत्रर प्रभाव रे रोग रोगीर बा व्याधि जो व्याधिग्रस्त जन व्याधि मुक्त हेब। सुतराम उक्त मंत्र रे कहुछन्ति जे अयक्ष्मया परिभुज यक्ष्मा रोग राज आमे कहु यक्ष्मा यक्ष्माटी इति समग्र रोगर उपलक्षण अर्थात तुम जजमान को साधक को निरोग रख हे भगवान मत तुम निरोग रख आ निरोग हवा द्वारा रोग मुक्त हवा द्वारा मु तुम साधन तत्परता हेबी तल्लीन हेबी। आदि मु रोग युक्त हो गली तेरे मोर तो समस्त इंद्रिय गण निष्प्रभ हो जाए मु प्रार्थना करी किभली मु वंदना करी किभली तेणु प्रथमे तेणु बाहू मे बलामिंद्रियम हस्तौ मे कर्म वीर्यम आत्मा क्षत्रमुरो मम वैदिक उक्ति प्रथमे मु मोर जो प्रार्थना वंदना अभ्यर्थना करी ना आग निरोर निरोग शरीर को नहीं सब गुड़िक संभव हेब। सुतराम इटि रोग शून्य हवापाई व्याधि मुक्त हवापाई वैदिक महर्षि मानंकर दिव्य भावनार परिप्रकाश हेछि। शरीरर गोटे प्राथम्य रहे आराधना करिवारे जदि शरीरटे दुर्बल हो जाए काय मनो वाक्यरे मध्य आम दुर्बल हेबा। सुतराम शरीर को शुद्धता मध्य रखी पवित्रतार गोटे वार्ता वातावरण रखी जदि आम आराधना कार्यरे तत्पर हेबा तेबे आराधनाटी सफल हेब। सुतराम से कहुछन्ति हे भगवान मु निरोग किभली हेबी व्याधि मोर अपनोदन किभली हेब ना याते ए हेति ही तुमे जो धनुर्बाण युक्त हो बसी अछ धनुर्बाण युक्त हो आग जो पिनाक धनु धारण करिछ त्रिशूल धारण करिछ खड्ग तुमर कोशर रही अछि ना सेगुड़ी को देखी इ जो रोग शून्यता कथा मु पासुरी जाऊ। सुतराम जाते हेतिर्मीलुष्ट महस्ते बभूवते धनु प्रथमे मते निरोग कर तेणु संबोधन हैला हे मिलुष्टम मिलुष्टम कहिले इटि कहुछन्ति मिलुसे गोटे शब्द थिला सेचने मिह सेचने धातु अर्थात जिए समस्तंकर भक्त जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त भक्त मानंकर तह अकिंचन सन् प्रभवस्य संपदाम से अकिंचन हई मध्य समग्र संपदर से होती प्रभव उद्गम स्थल अतः हे भगवन तुम्हे कौन कर मिलुष्टम इटि संबोधन है मिलुष्टम इटि नीलग्रीव ना संबोधन रे इटि गिरीसंत पद ना मिलुष्टम बोली कहगला अर्थात समग्र कामना गुड़िकर अभिवर्षक परिपूरक देखंतु सुंदर शब्द टीए जे भक्तर समस्त अभिलाषा को परिपूर्ण करे तांकर स्वरूप आपण माने देखंतु निजे पर्वतरे बास गिरी वन अरण्य रे बास किंतु सी भक्तंकर समस्त कामना को परिपूर्ण करिथांती। तेतेबेले पुराण कथा आमे सुनु एकदा माता पार्वतींकर इच्छा हेछि जे भले लक्ष्मी रहुछंती तांकर विलास व्यसन रहुछंती उच्च अट्टालिका रे रहुछंती ते से भली गोटे प्रासाद करिबा पई जेतेबेले माँ पार्वतींकर मनरे इच्छा हेछि लक्ष्मीक द्वारा आसी कहिछंती माँ लक्ष्मी कहिछंती आसिकिरी भगवान तमे गोटे प्रासाद करिकिरी रुह। त्रिकूट पर्वत रे निर्माण हेछि प्रासाद भगवान देवदेव महादेव स्मरण करिछंती विश्वकर्मा आसिछंती देवशिल्पी विश्वकर्मांक द्वारा सुंदर भव्य प्रासाद निर्माण हेछि जे प्रासाद रे प्रतिष्ठा हेबो बिना प्रतिष्ठा तो प्रासाद रे प्रवेश नाही आमे जे भले गृह प्रतिष्ठा करू गृह निर्माण करे कला परे जे भले आमे माने वैदिक ब्राह्मण मानक द्वारा गृहटी को प्रतिष्ठा करू तार वास्तु पूजन हेबे झूप रहिबे समग्र गृहटी संशोधित हेबो ता परे रहिबा उपयोगी हेबो। सुतराम सेई जो
भगवान देवदेव महादेव तांकर पुणी विराट अट्टालिका निर्माण करिसंति किए विश्वकर्मा आउ पुरोहित होइथिन रावण जिते बेले पुरोहित रावण आसी विश्वनंदन रावण पुरोहित करिसंति श्मशानवासी पुरोहितंकर कार्य समापन परे आमर वैदिक विधान अनुसाई बा आगमीय विधि व्यवस्था अनुसाई किछ दक्षिणा दिया जाय थाय पुरोहितंकर किछ दक्षिणा प्राप्ति अछि दक्षिणा देबे कौन किछ नाही तांके पाखरे से अकिंचन सन प्रभवस्य संपदाम आम जहाँ कहतुला तांके पाखरे किछ नाही से तो सब किछ अर्पण करिसंति श्मशानवासी भस्म विलेपित शरीर हाथ रे जहाँ आम तांकु देखुचे से सेया आमर जमी जहाँ आम देखुचे आम से नुह कि आमर गच्छित रोचा गच्छित बोली किसी ना सी तो भाग्य विधाता से तो यो न पिता जनिता यो विधाता धामानी वेद भुवनानी विश्वा यो देवाना नामधा एक एव तम संप्रश्न भुवनायंत्यन्या से भव से भव से सी तरह गच्छित कौन रे कौन कर दक्षिणा स्वरूप ये ये हूँ उदार ये हूँ से जो आशुतोषंकर गोटे गुण से जो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित से उच्च प्रासाद टी दक्षिणा स्वरूप रावण को देखु ये कथार जो पौराणिक आमर कथा उपरे कते सुंदर मार्मिक चिंतन आसीपे भगवान देवदेव महादेव सृष्टि स्थिति लय जहाँ भ्रुभंगी विकार संपन्न होता है सी जब रहिबार गोटे बासस्थान निजर शक्तिर शक्ति प्रचोदन निर्माण करसस्थाना उपरे लोभ रहिबा कथा आसक्ति रहिबा कथा किंतु ना कहुए ना आमर छात हूँ आकाश ये वनस्पति औषधि एम हूँ आमर द्वारी आम चतुर्पाश्व रे पृथ्वी हूँ आमर शज्ञा गोटे सन्यासी पाई ये सबूर कौन गुण रही जो मैंने वानप्रस्थ सन्यास आश्रम व्रती अच्छा सी सुच्च अट्टाकार कौन सी मूल्य ना सुतराम से कथा को अंगीकार कर भगवान देवदेव महादेव से जो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुउच्च अट्टाका को दान देखी पार्वती खुश भगवान देवदेव महादेव सी तो भोलेनाथ सुतराम तर गोटे गोटे गुण रु कोटे कोटे निर्देश आम पाई आहटा वैदिक भित्तिमि समर्थन एक कथा से कहते तुम्हें हूँ मिलहुष्टम समस्त कामना गुड़िकर अभिवर्षक वृष्टिकर्ता वृष्टिकर्ता कहें केवल जलर अभिवेश अभिषेचनकर्ता नुह कामना मानकर असंख्य असंख्य जुग जुग धरी महर्षि मानकर साधक मानकर तपस्वी मानकर जहा जहा कामना रही अच्छा ना जे तुम पादपद्म थरे मात्र सकृत एव प्रपन्नाय तबा स्मृति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा मे तद व्रतम मम यो व्रत तुम रही अच्छी तुम से व्रतरे व्रती है समस्त अभीष्ट प्रदान करी था यह तुम संकल्प तेणु हे मिलहुष्टम तुम हस्तरे बभुवते धनु जो धनु जो पिनाक संज्ञक धनुटी सुशोभित होना से पिनाक धनु ये मध्य चौदह रत्न गोटे रत्न से धनु को तुम्हें दूरीभूत कर आग से कथा आम पूर्वर मध्य आलोचनार रखीचे धनु को दूरीभूत करिवार वैदिक निदर्शन हूँ या केवल भक्ति कथा ना गोटे शास्त्रीय विधि व्यवस्था मध्य रही अच्छे कारण जिते उपास्यक उपास्य सम्मुख रे उपासक उपस्थित रही निजर शुष्क गोमय द्वारा विलेपित गोटे स्थान रे सुखासन उपवेशन करी निजर भव्य को आराधना करते बड़े भव स्वरूप थी रहिबा आवश्यक आम जिते मूर्ति देखु थाई टिकिए भगवान श्रीकृष्णंकर वंशीधरा मूर्ति अथवा आंठुआ गोपाल मूर्ति क्रूर मूर्ति को देखिए आम उपासना करा ना यदि आम क्रूर मूर्ति को देख उपासना करवा आम को से भाई साधक होगापी पड़ो साधक प्रथम अवस्था क्रूर मूर्ति को देखने से तो भीति कर भक्ति आसब के तेणु भक्तिर जो उद्गम आदौ श्रद्धा तत साधु संगोथ भजन क्रिया श्रद्धार उत्पत्ति क्रूर मूर्ति नुह अभी तो सुगम
सुंदर कमनीय मूर्ति रे से कथा शास्त्रीय धारारे धारा परिप्रकाश हेछि। भगवान हस्तरे सुशोभित होता दिव्य आयुधमान यद्यपि से आयुधमानंकर उपादेयता आवश्यकता रही अछंती किंतु भक्त पाई नुह वैदिक चिंतन रे आपण माने जानती क्रूरत्वर स्थान नाही किंतु इठी भगवान रुद्र एठारे क्रूरत्व आउ शीतलत्व उभयंकर समन्वय विग्रह सम भावना आउ समदृष्टि उभयंकर समुज्ज्वल समावेश आम देखु भगवान शिवक पाखर क्रूरता अच्छी आउ शिष्टता भी अच्छी भक्तानुग्रह कारक से अटंती किंतु अपर पक्ष रे जो माने भक्त मानक प्रति हिंसा पोषण करन तांको दमन करिवे से सुतरां वैदिक भित्तिभूमि उपरे किभळी देखंतु आमे सामान्यतः जो शास्त्रीय विधि व्यवस्था कथा आम आलोचना करूथले आमे आपण माने जानंती आमे सूर्यंको अर्घ्य प्रदान करू सूर्यंको अर्घ्य प्रदान करिवारे जो मुद्रा आमे अवलंबन करू तद्वारा सूर्य प्रसन्न हुवंती तार कारण कौन कौन केवल जल अर्पण करदे भगवान सूर्य सन्तुष्ट होती वैदिक कारण देख कहिले प्रत्येह संध्या वंदन समय रे जो माने संध्या वंदन करती से माने सूर्यंक प्रति निजर अर्घ्य जल आकार अर्पण करिथांत सूर्योदय प्रतिबंधक करणार्थम सूर्योदय रूपक प्रतिबंधक अपनोदन करिबा पाई जला जल अंजलि द्वारा अर्पण करिथांती यद्यपि आम सामान्य भाव देखू सूर्य को जल अर्पण करवा समय जल रे सूर्य किरण प्रतिफलित हो जो माने उपास्य देवे जल तक शरीर रु व्याधि नाश करते ये गोटे कारण कि वैदिक कारण देखु ना सूर्यंर आगमन को प्रत्येह आगमन को किसी आसुरिक प्रवृत्ति रोकी था मंद्रेह रूपाणी बोली कहले मंदहारूहाणी प्रभृत असुराह प्रयतंते सूर्योदय प्रतिबंधक करणार्थम मंदहारूहाणी प्रभृत असुराह माने प्रतिदिन सूर्यंकर आगमन न हेउ एभली अनेक आसुरिक शक्ति गुड़िक सूर्यंकु रोकी थांती सुतराम ताकु निवारण करिबा पाई ताकु अपनोदन करिबा पाई तैतरीय तैतरीय शाखार जो यजु ब्राह्मण रही उक्त वर्णना सेथिरे मिले कहले कौन ना संध्यायाम गायत्रियाभिमंत्रिता आपह ऊर्ध्वं विक्षिपिता भवन्ति ता आपह जेणु जो आम सूर्य को अर्घ्य अर्पण कले जल ऊर्ध्वरे मिसिला ऊर्ध्वं विक्षिपिता भवन्ति आउ ता द्वारा ता आपह वज्रो भूत्वा कारण वज्रर उत्पत्ति हेती जलरु सेई जल गुड़िक पुनः वज्र भाव रूपांतरित होई वज्रो भूत्वा तानि रक्षांसि मंदेह रूपेण दूरे प्रक्षिप्यन्ति तेन पापमानं अवधूनन्ति ये हूँ वैदिक चिंतन तेणु यद्यपि गोटे आगमीय विधि व्यवस्था मध्यरे आमे कर्मकांडीय कार्यटी को पूरण करूथाई किंतु तन्मध्यरे जो तत्वटी रही अछि आमे मंदेह रूपाणी आसुर प्रवृत्ति मानक रोकिबा पाई सूर्य को प्रति नित्य दर्शन करवाई ये अर्घ्य प्रदान ठीक से ही भली से ही गोटे सूक्ष्म मार्ग दे ए मंत्र रे मध्य साधक प्रार्थना करुची मोर लोड़ा नहीं तुम से धनु तुम से बाण तुम आयुध पिनाक ये लोड़ा नहीं मोर तुम से सौम्य कांत कमनीय नमनीय रूपटे आवश्यक जहाँ को देखिले मु आत्मारे शांति अनुभव करी जहाँ को देखिले मोर भक्ति भाव धारा प्रवाहित हेब भक्ति उद्रेक हेब तेणु से कहते अंतिम पंक्ति रे तयास्मान विश्वतस्तम यक्ष्मया परिभुज आ मोर भक्तिर धारा प्रवाहित हेले भक्ति गंगार फलस्वरूप मु निरोग हेबी रोग शून्य हेबी आ रोग शून्य हेले मु तुमर आराधना रे तत्पर हेबी सुतराम से कहते सेई जो धनु द्वारा जो हेति अस्त्र द्वारा तयास्मान तुम्हें कौन कर आम को आम मानू तुम से अस्त्रशस्त्र द्वारा अयक्ष्मया रोग रहित करी अनुपद्रवकारिणी आयुध द्वारा माने उपद्रव करुवा आयुध नुह
अनुपद्रवकारिणी आयुध द्वारा रोग रहित आयुध द्वारा जहार प्रयोग रे ये समाज संसार रोग रहित हब से बढ़ी आयुध द्वारा तुम्हें विश्वतः परिभुज मोते सर्वतः समस्तंक ठारू सर्वतो भावरे सामग्रिक भावरे समाज रे मत कौन कर परिभुज परिपालन कर गोटे युक्ति सहित सजुक्तिक प्रार्थना बाढ़ुंट भगवान पद पाथोज हे भगवान मत निरोग रही हेब निरोग रही हेले मत भक्ति धारा रे प्रवाहित होगा पड़ो आ भक्ति धारा रे प्रवाहित होगाक तुम हस्तरे सुशोभित होता अलंकृत होता ए अस्त्रशस्त्र गुड़ी तुम्हें आम ठार दूर रख आ मत से परिपालन कर विश्वतः अर्थात मु तुम देह दृष्टिया तु दासोहम जीव दृष्टिया त्वदंशक आत्मदृष्टिया त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मति भक्ति शास्त्र जो रही ये प्राण अर्घ्य रही मुझे तुम ठार अभिन्न आत्मे आत्मदृष्टिया त्वमेवाहम अतः तुम्हें तुमको रक्षा कर सुतराम यही प्रार्थना को ये शास्त्रीय भित्ति उपरे परिप्रेक्षी वैदिक महर्षि गणंकर अभिव्यक्ति बा मंत्र परिप्रकाश होती आमे मंत्रटी को आउ थरे आवृत्ति करिबा ओम याते हे धर्मी लुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वम यक्ष्मया परिभुज हरिः ओम एठी आज बाणी को विराम दबा आगामी अध्याय रे परवर्ती मंत्र गुडी को नहीं आलोचना करिबा से पर्यंत ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।